नमस्कार, leluram.com में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष। बीते शुक्रवार को रिलीज आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला ने सिनेमाघरों में तूफान मचा रखा है। जिस तरह से बीते 3 दिनों की कमाई के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस तरह से ये साफ कहा जा सकता है कि ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। दरअसल फिल्म बाला अब तक 43.95 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इसकी पहले दिन की कमाई की बात करें तो बाला फिल्म ने 10.15 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दूसरे दिन इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी के साथ फिल्म ने 15.73 करोड़ रुपए कमाए। और अगर बात तीसरे दिन के आंकड़े की करें तो फिल्म ने 18 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म बाला ने दर्शकों के साथ साथ समीक्षकों का भी खूब दिल जीता है। कमाई के बढ़ते इन आंकड़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिल्म पहले ही हफ्ते में 60 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। बात फिल्म की कहानी की करें तो ये कहानी बालमुकुंद शुक्ला की कहानी है, जो बचपन में अपने बालों के स्टाइल के लिए पूरे शहर में फेमस था। लेकिन 25 साल की उम्र होते होते बाला की पूरे बाल ऐसे झड़ जाते हैं कि वो अब हंसी का पात्र बन जाता है। बाला बालमुकुंद शुक्ला की कहानी है, जो बचपन में अपने लंबे बालों और जबरदस्त एटीट्यूड के लिए पहचाना जाता था। नन्हा बाला लड़कियों के बीच में अपने बालों की स्टाइल से शहर भर में मशहूर था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि खुद मजाक बनने को मजबूर हो गया। 25 की उम्र में बाला का बाल झड़ना शुरू हो गया। 200 से ज्यादा नुस्खे अपनाए, लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं मिला। आखिर में नकली बालों का सहारा ही बाला को लेना पड़ा। निर्देशक अमर कौशिक की बाला लड़कों के गंजेपन की बात करती है। यह निर्देशक की चतुराई ही है कि वह एक तरफ गंजेपन की समस्या को डील करते हुए तो दूसरी तरफ काली लड़की के प्रति समाज के संकीर्ण और हीन रवैये को बताना नहीं भूलते। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो आयुष्मान खुराना ने अपने इस किरदार से यह साबित कर दिया है कि आयुष्मान खुराना किसी भी तरीके के स्क्रिप्ट पर काम जम कर सकते हैं। वहीं बात करें यामी गौतम की तो यामी गौतम ने एक छोटे टिकटॉक स्टार की काफी अच्छी भूमिका निभाई है। वहीं भूमि पेंढारकर भी काफी दिलचस्प लगी हैं। एक बार फिर आयुष्मान खुराना ने अपने शानदार अभिनय से ये साबित कर दिया है कि वे हर तरह की भूमिकाएं करने में सक्षम हैं। अभिनेता के तौर में गंजे किरदार को चुनना उनकी इमेज के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता था, मगर उन्होंने न केवल उसे चुनने का साहस किया बल्कि उस भूमिका में छा भी गए। यामी गौतम ने स्मॉल टाउन टिकटॉक स्टार की भूमिका और उसकी मानसिकता को सशक्त चित्रण किया है। वे इस भूमिका में बहुत खूबसूरत लगी हैं। वहीं भूमि की भूमिकाओं की चॉइस की दाद देनी होगी। फिल्म सांड की आंख की बूढ़ी दादी के बाद काली लड़की लतिका के किरदार को वे बखूबी जी गई हैं। सहयोगी भूमिकाओं में सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी, सीमा पहवा, दीपक चिखलिया और अभिषेक बनर्जी ने जमकर मनोरंजन किया है। तो कुल मिलाकर बात ये कि फिल्म बाला एक खूबसूरत फिल्म होने के साथ साथ एक मनोरंजक फिल्म भी है। आप उसे एक बार जरूर देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।